नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने वो करके दिखाया है जो कोई देश नहीं कर सका, चांद के साउथ पोल पर टच डाउन करना। इस सफलता को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रज्ञान रोवर के दौरान चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज करी है। बहुत ही कम लोगों ने इसकी बात करी है कि चंद्रयान 3 के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान क्या क्या नई चीजें सामने आई। आइए दोस्तों जानते हैं चंद्रयान के बारे में इस वीडियो में। 23 अगस्त 2023 का दिन था जिस दिन चंद्रयान 3 ने लैंडिंग करी सफलतापूर्वक। अगले 24 अगस्त को विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को एक रैंप के जरिए नीचे उतारा। अपने मिशन को शुरू करने के लिए इसरो ट्विटर के माध्यम से रेगुलर अपडेट दे रहा था। 24 अगस्त से 4 सितंबर तक लगभग 12 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर अपनी ऑब्जर्वेशन, जिसके बाद उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया। उम्मीद की जा रही है इन 12 दिनों में क्या क्या ऑब्जर्वेशन ली गई। बात है 27 अगस्त की, जब विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट यंत्र ने पहली रीडिंग ली। चेस्ट का फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकली एक्सपेरिमेंट। इसका काम है चांद की मिट्टी का टेम्परेचर नापना। तापमान को नापने का काम चेस्ट पर लगे एक टेम्परेचर प्रोब करता है। चेस्ट पर खुद अपने 10 अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं और ये टेम्परेचर प्रो चांद के सरफेस 10 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकता है। यह देखा गया है कि चांद की मिट्टी में 1 सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 10-10 डिग्री सेल्सियस बदलता है। सरफेस पर टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट 60 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे जाकर यह टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 8 सेंटीमीटर में इस ग्राफ में 0-80 मिलीमीटर की डेट पर दिखा रहा है कैसे टेम्परेचर बदल रहा है। पहला ऐसा प्रोफाइल है जो चांद के साउथ पोल के लिए बनाया गया है। इसी दिन इसरो ने 2 फोटो भी पब्लिक करी। प्रज्ञान रोवर जब वो बड़े से गड्ढे से 3 मीटर दूर था, इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो इस क्रेटर का डायोमीटर था जो करीबन 4 मीटर के अराउंड था। हमारे साइंटिस्ट नहीं चाहते थे कि प्रज्ञान रोवर अगर इस खड्डे में गिर जाए, तो इसी वजह से उन्होंने प्रज्ञान रोवर रास्ता ही बदल दिया। प्रज्ञान को उल्टा होकर वापस चलना पड़ा। इसकी भी आप कुछ फोटोज देख सकते हैं जहां इसके पहियों का मिट्टी में ट्रैक दिख रहा है। प्रज्ञापन लगे पेलोड्स की बात करें तो 28 अगस्त लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम ने इंस्ट्रूमेंट ने सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया चांद के साउथ पोल पर। यह पहली बार था तो इस साउथ पोल पर ऑन ग्राउंड पर जाकर इस चीज को कंफर्म किया गया, इसलिए इसे फर्स्ट एवर इन सीटू मेजरमेंट कहा जाता है। इस लिप्स को यंत्र इसरो के साथ डेवलप किया है बेंगलोर की लेबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ने। इसका काम है चांद पर मिट्टी और स्टोन का कंपोजिशन एनालाइज करना। जिस तरीके से काम करता है वो भी बड़ा इंटरेस्ट है। ये हाई लेजर पल्सिस का इस्तेमाल किया जाता है। एक लेजर डाली जाती है चांद की मिट्टी पर जिसका तापमान बहुत अधिक होता है। वहाँ की मिट्टी अधिक तापमान की वजह से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा क्या होता है, आपने इसे स्कूल टाइम में जरूर पढ़ा होगा। 4 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। गैस को हाई तापमान में डालो तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और प्लाज्मा से रोशनी निकलती है। ये जो लाइट निकल रही है ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को मेजर करता है और इसके आधार पर बता पाता है कौन सा एलिमेंट वहाँ पर मौजूद है चांद की मिट्टी पे। विक्रम लैंडर पर 31 अगस्त को इसरो ने एक रिपोर्ट रिलीज करी। रामबाग ई फंक्शन पर रामबाग विक्रम पे लगाए एक यंत्र है लिप्स की तरह। इसका काम भी प्लाज्मा को एनालाइज करना है, लेकिन ये खुद से कोई प्लाज्मा नहीं छोड़ता है चांद की मिट्टी पे। बस ये नेचुरल प्लाज्मा जो चांद पर पहले से मौजूद है उसे मेजर करता है। इसे मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। रामबा बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है। इसके बाद 3 सितंबर 2023 पर जब इसरो ने ऑफ एक एक्सपेरिमेंट किया विक्रम लैंडर के साथ, जो ओरिजिनल लैंडिंग पॉइंट था, इसे शिव शक्ति नाम भी दिया गया, उस पॉइंट से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया विक्रम लैंडर को। विक्रम के इंजन को दोबारा से फायर किया गया। वो हवा में 40 सेंटीमीटर ऊपर गया, करीबन 40 से 50 सेंटीमीटर साइड में जाकर लैंड कर गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए नीचे रैंप निकाला गया था प्रज्ञान रोवर को नीचे उतारने के लिए, फिर उसे वापस फोल्ड किया गया था। आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। इसके एक्सपेरिमेंट करते टाइम की
देखिए कितना डिफरेंट है पहले की फोटो में और बाद की फोटो में, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है ये लैंडर। इस होप एक्सपेरिमेंट का महत्व ये है, जब वुमेन्स मिशन करेंगे तब उसके बारे में पता होना चाहिए कि इंसानों को वापस लाने के लिए फिर से उड़ान भर सकता है। इसके बाद 4 सितंबर को सुबह के करीबन 8 बजे दो प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड पर डाल दिया जाता है इसरो के माध्यम से। फॉर्मर इसरो चीफ किरण कुमार का कहना था कि आज से 2-3 दिन पहले की इसे स्लीप मोड पे डाल दिया गया अच्छी प्रिपरेशन के लिए, ताकि मॉड्यूल फंक्शन पूरी तरह से बंद हो जाए जब दिन खत्म हो चांद पर। प्रज्ञान की बैटरी को पूरी फुल किया गया स्लीप मोड में डालने से पहले ही चंद्रयान 3 के लिए। ये अगली सुबह होगी 22 सितंबर की और पूरा देश दिल थाम के देखेगा ये दोबारा से जाग उठते हैं या नहीं। अगर ये उठकर फिर से काम करने लग गए तो अच्छी खबर होगी, क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट कुछ और भी प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया का प्रज्ञान चांद का दूत बनकर हमेशा वहीं तैनात रहेगा।